नमस्कार, मैं शाहीन और पेश है आज की ताजा खबरें। झारखंड के साहिबगंज में बरहरवा छोटा दुर्गापुर में सिद्धो कान्हू स्टेडियम पर आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर आयोजित 3 दिवसीय फाइनल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर DSP प्रमोद कुमार मिश्रा ने खिलाड़ियों से परिचय भी किया, जिसके बाद DSP प्रमोद कुमार ने खिलाड़ियों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। झारखंड के साहिबगंज में DC रामनिवास यादव ने सोशल मीडिया पर एक बयान साझा करते हुए कहा कि देवघर से साहिबगंज कोरोना वैक्सीन का एक खेप पहुंच चुका है, जिसमें से 584 वैक्सीन रिसीव भी कर चुके हैं, जिसका शुभारंभ कर दिया गया है, जिसके बाद जिलावासियों में खुशी का माहौल उत्पन्न हो गया। झारखंड के दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कमरटोला क्षेत्र में 3 अप्रैल 2020 को हुई चोरी की घटना में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सुशील मुर्मू के घर से लकड़ी का दरवाजा और बरही मिस्त्री का सामान चोरी हुआ था। इस वारदात में शामिल अभियुक्त निर्मल मुर्मू उर्फ बनिया को अमरा से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके निशानदेही पर बरही मिस्त्री का सामान बरामद किया गया, जिसके बाद उक्त अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। झारखंड के दुमका में जामा विधानसभा की स्थानीय विधायक सीता सोरेन 1 दिवसीय दौरे पर रामगढ़ पहुंची। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव विजय सिंह, प्रखंड के निवर्तमान प्रमुख सरुजुमोनी हांसदा और प्रखंड झामुमो अध्यक्ष शिवलाल मरांडी भी मौजूद रहे। इस दौरे के क्रम में विधायक सीता सोरेन ने प्रखंड कार्यालय परिसर में नवनिर्मित PCC सड़कों के साथ नवनिर्मित भवन में जनप्रतिनिधियों के कार्यालय कक्षों और प्रशाल का लोकार्पण भी किया, जबकि पुराने प्रखंड कार्यालय में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित दी कैफे JSLPS कार्यालय और तेजस्विनी परियोजना के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। भीषण ठंड को देखते हुए विधायक द्वारा निर्धन और असहाय जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण भी की शुरुआत की गई। इस दौरान मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल जी ने बताया कि 500 कंबल का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया जाना है। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती सीता सोरेन ने कहा कि आम जनता के हित में काम करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्थानीय समस्याओं को लेकर वे हर समय यहां की जनता के साथ हैं। इस दौरान सभा का संचालन झामुमो के प्रखंड सचिव नंदलाल राउत कर रहे थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया को ग्रामीण ने गांव में बुलाकर अपने समस्याओं को बताया कि किस तरह से मार्केटिंग सोसाइटी में सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों के साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, साथ ही शिकायत पत्रों पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि निर्माण निधि समर्पण अभियान का कार्यक्रम संपूर्ण भारत में शुरू हो गया। मुख्य अतिथि वल्लभा कुंज अधिकारी पूंजी महंत राजकुमार दास जी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर अनिल मिश्रा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्य ने 51,000 का चेक प्रदान किया। कार्यक्रम में सभी बस्तियों के बस्ती संयोजक और सैकड़ों स्वयंसेवक उपस्थित रहे। वहीं लोहिया नगर के निधि समर्पण अभियान के शुभारंभ में पूज्य संत राजू दास और प्रसिद्ध कथावाचक चंद्रांशु महाराज और नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास के अलावा अवध विश्वविद्यालय के आचार्य रविशंकर सिंह और प्रोफेसर डॉक्टर RK सिंह ने 1-1 लाख रुपए दान किया। कितने का आपने जो इसमें धनराशि जो है दिया? आज मैंने संपल में जो है आज यहाँ पे 12,000 की राशि दी और बहुत खुशी और बहुत ही विशेष कार्य स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। इसके लिए हम सभी को कहते हैं कि आगे आइए और आगे आके अपना योगदान दीजिए, क्योंकि 1,24,000 पैगंबरों में से पैगंबर हमारे राम जी भी हैं, जिनका आज ये निर्माण शुरू होने जा रहा है मंदिर का। जिस तरह से इतने सालों से जो है राम मंदिर का जो है मुकदमा जो है चल रहा था, जो है फैसला आ गया है और राम मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं तो, आप एक मुस्लिम हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो देखिए कहेंगे कि जो हक था वो सामने आ गया है ना, और राम जी की जीत हुई है
अब राम जी का जल्दी से जल्दी बस निर्माण मंदिर का शुरू हो जाए, इससे बड़ी और खुशी की मुसलमानों के लिए कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी इस टाइम जो है निर्माण कार्य के लिए जो है समर्पण निधि अभियान जो है ट्रस्ट जो चला रहा है, जिसमें चंदा लिया जा रहा है 125 करोड़ देशवासियों से, इसमें अभियान में जुड़ेंगे आप जी, मुस्लिम समाज से जो है क्या कहने के, क्या किस तरीके के मैसेज? हम मुस्लिम समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग आइए, अपने नबी का जो मंदिर बनने जा रहा है, 124,000 पैगम्बरों में से वो भी एक नबी है, उनका मंदिर निर्माण होने जा रहा है, बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, और इससे अच्छा मौका नहीं आएगा कभी, बस ये कहना चाहते हैं, सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। बस क्या नाम है और कहां से? मैं मोहम्मद वसीदर, मुस्लिम राजवंश का। कितने का आपने? उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बहू बेगम के मकबरा स्थित पार्टी कार्यालय पर बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती का 65वां जन्म दिवस 15 जनवरी को धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में बहुजन समाजवादी पार्टी के सारे पदाधिकारी और हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं पंचायती चुनाव को लेकर के सारे उम्मीदवार भी मौजूद रहे और जिला पंचायत सदस्य के तौर पर मसौदा प्रथम से जिला पंचायती सदस्य पर लड़ रहे सुहेल सिद्दीकी भी बहन मायावती का जन्मदिन मनाने के लिए अपने लाव लश्कर के साथ मकबरा स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचे। आज बहन जी का जन्मदिन था राष्ट्रीय अध्यक्ष के, इस मुबारक मौके पे हम लोगों को बहुत खुशी हुई और पूरे जो है प्रदेश में मनाया गया, और फैजाबाद की जो हमारे महान पदाधिकारी सम्मानित कार्यकर्ता है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ था, आपने देखा लोगों ने अपने खर्चे से गाड़ियाँ और बच्चों को सब व्यवस्थित करके भीड़ बहुत उमदा की और बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया गया। पंचायती चुनाव जो है एकदम तैयारी पे है, चरम सीमा पे होना है, उस पर जो है क्या तैयारियाँ? आज लोगों की तैयारियाँ देख के ये लगता है कि पंचायती चुनाव में आने वाला जो दौर है, रिजल्ट आने चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पंचायती चुनाव या प्रधान, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उन्हीं को निकलेगी जो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधीन में चुनाव लड़ेगा, और बहुजन समाज पार्टी का जो सच्चा सिपाही होगा ज़्यादा से ज़्यादा जीत उसके हाथ में आएगी। देखिए आप भी पंचायती चुनाव में आप भी दावेदार हैं जिला पंचायत के मसौदा से, क्या कहना चाहेंगे, क्या जो है आपका एजेंडा होगा? मेन पार्टी का आशीर्वाद रहा, सम्मानित पदाधिकारियों ने अगर इस काबिल मुझको समझा तो हमारा एजेंडा सिर्फ यही होगा कि सम्मान हक और मानवता की जो मिसाल बाबा साहब ने अपने संविधान के थ्रू चलाई है उसको बचाया। आज बिहार के सीतामढ़ी जिले के 8 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन के प्रथम चरण टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। सदर अस्पताल में जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने दी प्रज्वलित कर दिया इसका शुभारंभ। इस दौरान सबसे पहले अस्पताल स्वास्थ्य कर्मी को टीका दिया गया। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश एवं मानक के अनुरूप टीकाकरण का कार्य पूरी जवाबदेही से सफलतापूर्वक संपन्न करने का निर्देश दिया है। टीकाकरण के प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन का डोज दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है। जिलाधिकारी राकेश सिंह ने टीकाकरण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सबसे पहले टीका लगवाकर टीकाकरण की शुरुआत की। मुरादाबाद जनपद में 6 बूथों पर टीकाकरण शुरू हो गया है। वहीं हर बूथ पर स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाई जाए कोरोना वैक्सीन। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद मुरादाबाद में 6 जगह पर टीकाकरण चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, इसके तहत मुरादाबाद में भी हमारे 6 केंद्रों पर टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। इसमें से हमारा जिला अस्पताल है, जिला महिला अस्पताल है, विवेकानंद है, TMU है, और ठाकुर द्वारा CHC है, और बिलारी CHC है। इन 6 केंद्रों पर हमारे जो है हेल्थ कर्मियों का टीकाकरण आज जो है प्रारंभ किया गया। क्या लक्ष्य निर्धारित किया है सर, एक दिन में कितने टीके लगाने का? देखिए जो टोटल टारगेट है करीब 19,000 स्वास्थ्य कर्मियों को फर्स्ट फेज में टीके लगेंगे, और उसके लिए आवश्यक वैक्सीन वगैरह उपलब्ध हो गई है। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सर स्वास्थ्य केंद्रों पर? स्वास्थ्य केंद्रों पर समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे जो भी इसका SOP था, जो प्रोटोकॉल था, उसके तहत हम लोगों ने पूरी व्यवस्था जो है की है, जिसमें सबसे पहले जो हमारे हेल्थ कर्मी आएंगे वेटिंग एरिया में बैठेंगे, वहाँ से फिर वो टीकाकरण कक्ष में जाएंगे, और इसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन कक्ष में बैठेंगे, और फिर आधे घंटे बाद जो है वो अपने कार्य करेंगे। ठीक है, लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला चिकित्सालय में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बैतूल सांसद DDUE के आमला विधायक डॉक्टर योगेश पांडागरे और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के साथ शुरू हुए इस अभियान में सभी ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को सुना। जिला चिकित्सालय समेत 2 अन्य स्थानों पर इस अभियान को शुरू किया गया है।
जिला चिकित्सालय बैतूल में पहला टीकाकरण एक महिला सफाईकर्मी मंजू आर्य को लगाया गया। दूसरा टीका आमला क्षेत्र से विधायक और पेशे से डॉक्टर योगेश पंडागरे को लगाया गया। वहीं तीसरा टीका सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप धाकड़ को लगाया गया। पहला टीका लगवाने वाली महिला सफाईकर्मी मंजू का कहना है कि उसने बिना डरे पहला टीका लगवाया है। वहीं प्रशासन द्वारा टीकाकरण के लिए सभी आवश्यक गाइडलाइंस का पालन किया गया। इसके लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। पहले कक्ष में व्यक्ति की आवश्यकता जानकारी ली गई, दूसरे कक्ष में टीकाकरण और तीसरे कक्ष में टीकाकरण पश्चात ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। बड़ी खुशी का विषय है जिसको आप सब लोगों ने भी देखा कि बैतूल जिले में जो पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसकी भी शुरुआत हुई। हमने सबसे पहले श्रीमती मंजू बामने जो हमारी हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में सफाई कर्मचारी हैं उनको लगाया, और इसके बाद तुरंत हमारे विधायक साहब हैं जो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर योगेश पंडागरे, उनको लगा। डॉक्टर प्रदीप धाकड़ जी जो हमारे सीएमएचओ हैं, सिविल सर्जन हैं, अन्य डॉक्टर साहब लोगों ने लगाया, और इसी तरह से ये शुरुआत हमारे दो अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों भैंसदेही और आमला में भी आज हुई है। आज तीनों केंद्रों पर लगभग 100-100 व्यक्ति वैक्सीनेशन कराएंगे। बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है, आप सबने देखा कितना अच्छे से ये संपन्न हुआ कार्यक्रम, कि पहले उनको प्रतीक्षा कक्ष में उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके पहचान का वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर एक दो प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद टीकाकरण हो रहा है, और इस जिस कक्ष में हम लोग खड़े हैं ये प्रतीक्षा कक्ष है, बाद में आधे घंटे बाद ये देखने के लिए कि कभी किसी को। बड़ी खुशी का विषय है जिसको आप। बिहार के समस्तीपुर में कुल 11 केंद्रों पर 1100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। समस्तीपुर में इस अभियान की शुरुआत डीएम शशांक शुभांकर ने शुभारंभ करके किया। दलसिंह सराय NMN ट्रेनिंग स्कूल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में फीता काटकर इसका शुभारंभ हुआ। इस मौके पर दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल के सफाईकर्मी मोहन मांझी को कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। देश स्तर पर अभियान की शुरुआत के मौके पर टीकाकरण केंद्र को सजाया गया और यहां मौजूद सभी स्वास्थ्य कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। डीएम शशांक शुभांकर ने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों को किसी तरह के भ्रम से बचना चाहिए, साथ ही वैक्सीन लेने के बाद भी फिलहाल सुरक्षा उपाय का पालन करते रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में धर्मनगरी वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के साथ ही टीकाकरण की शुरुआत की गई, जहां टीकाकरण के लिए आई जिला व्यवस्था विभाग की टीम द्वारा पहला टीका अस्पताल के सेक्रेटरी सुप्रकाश आनंद को लगाया गया। इसके बाद अस्पताल के स्टाफ का टीकाकरण किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग पहले डर था थोड़ा लगेगा पुश करने का टाइम, किंतु कुछ लगा नहीं। हमारा ही लड़की दिया जो हमेशा हर रोज़ 20-25 देते हैं इंजेक्शन, वही लगाया, और सब एक साथ में थे, हम इनकरेज्ड हुआ देने के लिए। डॉक्टर्स था, सीएम ऑफिस से बहुत स्टाफ भी लोग भी थे, बहुत अच्छा लगा। आई इनकरेज्ड, और कोई पेन तो नहीं हुआ, और अच्छा ही लग रहा है। मन से भी हमारा फर्स्ट टीका हम लोग का आश्रम में, हमारा हॉस्पिटल में 1500 दिया जाएगा, तो फर्स्ट टीका हमको दिया गया, और हम हमारा सिस्टर्स लोगों को इनकरेज किया, वो लोग कोई डर रहा था लगेगा क्या होगा बाद में, तो इसलिए हमको देने के बाद वो लोग को भी थोड़ा इनकरेज हुआ जे हमारा भी दे पाएंगे हम लोग, देने से कोई दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत नहीं होगा। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए? सबको लेना है, जो जो ये तो सिलेक्टेड है, सबको तो नहीं दिया जाएगा, जिसका जिसका नाम ऑलरेडी चढ़ गया वो लोग को ही दिया जाएगा, बाद में आस्ते आस्ते सबको दिया जाएगा। तो अभी तो 1500 दिया जाएगा, जिसका जिसका नाम चढ़ गया उसको मोबाइल में नाम जाएगा, इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो सबको आस्ते आस्ते विदाउट एनी हेजिटेशन माने बिना डर से ले लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिना नंबर के वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस एक ऑपरेशन लॉन्च कर रही है, जिसमें सभी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में बिना नंबर के कोई भी वाहन अगर पाया जाएगा तो वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें सभी प्रकार के बिना नंबर वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ में नए वाहनों के नंबर लगाने के लिए नोटिस भी दिया जाएगा।
जैन पुलिस के द्वारा अभी हाल में ही जो बिना नंबर के वाहन, चाहे वो दोपहिया हो या चार पहिया वाहन है, बिना रजिस्ट्रेशन के जिनमें नंबर प्लेट नहीं है, उनके विरुद्ध में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इसमें सभी वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है और जो नए वाहन है उनके वाहन मालिकों को नोटिस भी दिया जा रहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन समय से। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।